हे hey गाइस, तो एक बार फिर से मैं आ गया हूँ एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। और यार इस बार मैंने काफ़ी जल्दी करी है एपिसोड को एक्सप्लेन करने में। और यार इस बार का एपिसोड थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि लास्ट वाला एपिसोड थोड़ा गलत हो गया था, तो उसमें थोड़ा स्लाइड शो बिगड़ गया था। मगर इस बार थोड़ा हम अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो यार जिस किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और यार इस सीजन को खत्म करते ही हम आप लोगों की पसंद का कोई और सीजन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट जो है ग्लेन के साथ कोई एक रिसर्च अकेडमी में विजिट करने जाते हैं। और यार उनको मतलब पढ़ाई के लिए थोड़ा विजिट करना होता है हर एक अकेडमी की, मतलब जो रिसर्च वाली जगह होती है वहाँ पे। और वो वहाँ पर देखते हैं कि रियल भी उनके साथ है, मगर रियल उनसे अलग अलग होकर चल रही है। तो रास्ते में यार रियल थोड़ा गिर जाती है और उसको रूमी आउट 16 उठाने जाती है, तो वो उन पर चिल्ला पड़ती है और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल देती है। तो इस पर यार वो लोग दुखी हो जाती है और ग्लेन बोलता है कि उसको थोड़ा टाइम अकेले छोड़ दो, उसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। तो इस पर यार मतलब उसके बाद डायरेक्ट वो पहुँच जाते हैं अकेडमी पे, और जहाँ पे मतलब जो बंदा होता है मेन डायरेक्टर, वो उन लोगों का स्वागत करता है। और यार ग्लेन को काफ़ी टाइम बाद मिलने के बाद वो उस पर खुशी जताता है, और यार उसे कहता है कि बच्चों को थोड़ी देर आराम करने के बाद वो पूरी अकेडमी का रिसर्च जो अकेडमी है उसको विजिट कराएगा। और यहाँ पे आराम करने के टाइम पे भी जो रियल होती है उनसे अलग होती है, जिसपे 16 और रूमिया थोड़े से परेशान होते हैं। मगर उसके बाद वो लोग डायरेक्ट चले जाते हैं अकेडमी में मतलब विजिट करने के लिए। और वहाँ पे उन्हें बताया जाता है किस तरीके से वाइट मैजिक जो होता है, वाइट जो मैना होता है उनका, वो यहीं से निकाला जाता है। और यार यहाँ पे जो मैजिकल क्रिएचर्स हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है दोबारा उनको ज़िंदा करने के लिए। तो यार जब बात आती है ज़िंदा करने की, तो इस पर रूमिया थोड़ा सा नाराज होती है और वो कहती है कि इस तरीके से हमें लाइफ की जो होती है साइकिल को उस पर थोड़ा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो इस पर ये बात सुन लेता है और यार डायरेक्टर बोलता है कि वो लाइफ को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वो किसी को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश नहीं कर रहे यहाँ पे, क्योंकि वो बताता है दोबारा कोई वापस जिंदा नहीं हो सकता। तो इस पर ग्लेन बताता है कि वो दोबारा जिंदा होने के लिए इसको 3 चीज़ चाहिए होती है। और ग्लेन बताता है किसी को दोबारा अगर जिंदा करना तो उसके लिए सबसे पहले उसकी मेमोरी चाहिए होती है, और उसके बाद उसका जेनेटिक कोड चाहिए होता है, और तीसरी चीज़ है वो अभी तक एब्सेंस है। अगर उस चीज़ का पता चल जाए तो किसी भी मरे हुए को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। मगर इस पर डायरेक्टर बोलता है कि अगर किसी मरे हुए को दोबारा जिंदा करेंगे तो हमें नहीं पता कि उसकी मतलब जो पहले वाली यादें उसको काम करेंगी या नहीं करेंगी, हो सकता है उसकी ऑल्टर ईगो यानी कि उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाए। तो इस पर मतलब वो लोग बात खत्म कर देते हैं, क्योंकि दोबारा जिंदा करने की बात थोड़ी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है और बहुत अजीब भी है। तो इस पर वो बताता है ग्लेन कि इस सब बातों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो पुराने जो डार्क मेजेस हैं वो दोबारा जिंदा कर सकते हैं, यानी कि जो बुरे जो जादूगर हैं वो दोबारा जिंदा करते हैं लोगों को, और उनका मतलब फ़ायदा उठाते हैं उनकी मजबूरी का। और भाई कुछ नहीं, इसके बाद ये सीन दिखाया जाता है किस तरीके से मतलब बच्चे विजिट करते हैं और यार सारी सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो सब कुछ वहीं देख लेते हैं। और यार यहाँ पर दिखाते हैं कि अब खाने का टाइम होता है, तो यार ग्लेन और रूमिया और सिस्टीन आपस में बात कर रही होती है खाने को लेकर, मगर अभी भी जो बंदी है आरएल रियल वो अभी उनसे अलग बैठी होती है। तो मतलब सिस्टीन जाके उसे पूछती है, तो वो उस पर चिल्ला पड़ती है और वहाँ से चली जाती है भाग के। तो इस पर मतलब वो और ज़्यादा दुखी होती है, और मतलब जो रियल है थोड़ा सी साइड जो समुद्र किनारे जाके रोने लग जाती है, और ग्लेन को मतलब जाने के लिए रूमिया और सिस्टीन को मतलब जिम्मेदार ठहराती है बातों में। और इस इधर जो रूमिया सिस्टीन और ग्लेन बैठ के बात कर रहे होते हैं, और इस पर ग्लेन सिस्टीन और रूमिया आपस में बात कर रहे होते हैं, और ग्लेन बताता है कि जो रियल है उसका दिमाग थोड़ा बच्चे जैसा है, तो उसे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा मगर वो उसे समझा लेगा। और इस पर बोलता है कि वापस वो लोग होटल चली जाएँ और वो उनका वेट करें तब तक वो रियल को लेके आता है। इधर हम देखते हैं रियल के पास उसका भाई आ जाता है, और रियल को बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि उसका भाई तो बहुत टाइम पहले ही मर चुका है। रियल का भाई उसे बताता है कि उसे डार्क मेजिस ने उसे जिंदा किया वापस, और उसका ध्यान रखा है अगर उसको वापस और जिंदा रहना है आगे तक तो उसे थोड़ी मदद चाहिए अपनी बहन की। तो इस पर वो उसकी बहन थोड़ा रोने लग जाती है, वो कहता है कि अगर वो रूम या टिंगल को उसको पकड़वाने में मदद करे तो वो मतलब उसके जो डार्क मेजिस उसे जिंदा रखेंगे। तो इस पर एल्बर्ट देख लेता है सब चीज़ें, और एल्बर्ट से तुरंत पास यार वो लड़की आ जाती है जिसका नाम अभी तक नहीं पता है। और यार इस सीन में हमें पता चलता है कि एल्बर्ट जो है लॉन्ग रेंज फाइट लेने में एक्सपर्ट है, मगर यार यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है दोनों एल्बर्ट और उस लड़की के बीच में। तो यार एल्बर्ट जैसे ही अपने सबसे पावरफुल स्पेल उस लड़की पे डालता है, तो वो लड़की मतलब वहाँ से हट के उधर दूसरी तरफ उछल जाती है, मतलब इससे पता चलती है कि वो लड़की कितनी फ्लेक्सिबल है। और यार दोनों के स्पेल आपस में टकराते हैं, और इसके बाद वो लड़की पूरी तरीके से मतलब आधी जल जाती है, और एल्बर्ट अभी तक ऐसे कैसे खड़ा होता है। मगर हम अचानक से देखते हैं कि वो लड़की वापस हील कर रही होती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से मतलब वो लड़की एक डार्क मेज है, और यार वो वापस जिंदा होने की एबिलिटी रखती है। इधर उस लड़की और एल्बर्ट के बीच में एक और सीन आता है जहाँ पे वो लड़की एक जोम्बी सी पूरी एक आर्मी एल्बर्ट के ऊपर छोड़ देती है, मगर एल्बर्ट यार जो है अपना बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और यार वहाँ पे वो एक और स्पेल दिखाता है, और जिस पर वो सारे के सारे जोम्बीज को वहीं के वहीं खत्म कर देता है। और एल्बर्ट सोचता है कि इसको अगर उसने जिंदा पकड़ लिया तो उसको पता चल जाएगी कि डार्क मेजिस का कहाँ हेडक्वार्टर है, और सब कुछ जानकारी मिल जाएगी उसे डार्क मेजिस के बारे में। मगर यार एल्बर्ट देखता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको पकड़ा नामुमकिन है, तो एल्बर्ट यहाँ पर डिसाइड करता है कि उस लड़की को यहीं पर मार देगा, खत्म कर देगा इसको खेल। और यार फाइट स्टार्ट हो जाती है काफ़ी घमासान, और बीच में जंगल में यार वो आधे जंगल को खुद ही लड़ते में तबाह कर देते हैं। इधर फाइट में वो लड़की रिवील करती है उसका प्लान है एल्बर्ट को उलझाए रखना, उसका प्लान ये नहीं है कि वो एल्बर्ट को मार दे, वो चाहती है कि एल्बर्ट जिंदा रहे अभी। और यार उसको बताती है कि वो चाहती है कि जो रियल है उसका भाई अपना काम कर दे जल्दी से, ताकि जो मेन टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। इधर हम अगले सीन में देखते हैं कि सिस्टीन और रूमी आपस में बात कर रही होती है, और सिस्टीन बोलती है कि वो खाना लेने जा रही है ताकि जब रियल और जो
ग्लेन आए यहाँ पे तो उन दोनों को खाना दे सके। और उससे अगले सीन में यहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसका जो भाई है रियल का, वो उसको मैनिपुलेट करता है और ढंग से, और यार उसे मतलब पूरी तरीके से उसे बिल्कुल इमोशनल ब्लैकमेल करता है, और यार उसको मतलब बताता है कि अगर वो उसे नहीं हेल्प करेगी तो वो मर जाएगा और पहले की तरह वो उसे अकेला ना छोड़े। तो यार वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, पूरी तरीके से दिमाग वाइप आउट हो जाता है। तो इधर तुरंत सेंसे जो है बंदा अपना ग्लेन आ जाता है वहाँ पर उनका, और यार ग्लेन उसको रियल को पीछे कर देता है और कहता है कि तुम साइड में रहो, मैं इसे निपटता हूँ। और उसे बोलता है कि लासाले मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूँगा, क्योंकि उसे पता है कि वो नकली बंदा है। मगर इधर तुरंत जो पीछे से बंदी है जो क्या नाम है रियल, वो अपनी तलवार निकालती है और ग्लेन के आर पार डाल देती है। भाई ये बहुत ज़्यादा दुखी वाला सीन था, और यार ग्लेन के पूरे मतलब शरीर में खून ही खून निकल लग जाता है। अब उसे सॉरी बोलती है और कहती है हमारे साथ यहीं तक है बस, और इस पर उसके बाद वो अपने भाई के साथ चले जाती है, और यार ग्लेन की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इधर जो मेन जो टारगेट अचीव हो चुका है कि जो ग्लेन है मेन बंदा, वो तो मार दिया यूँ समझ लो अब इनने। और यार इधर जो फाइट चल रही है एल्बर्ट और उस लड़की के बीच में, एल्बर्ट को पता चल जाती है ग्लेन भी गया। तो यार इधर वो लड़की है वो उधर तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि उसका मेन काम था एल्बर्ट को उलझाए रखना और वो हो चुका है पूरा। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि यार ग्लेन के पास जल्दी से वो एल्बर्ट पहुँच जाता है, और यार उससे अगले सीन में दिखाते हैं कि सिस्टीन खाना लेने के बाद डायरेक्ट पहुँचते रूमिया के पास, जहाँ पर रूमिया बेहोश पड़ी होती है। और यार रियल है वो उससे बोलती है कि वो अगर रूमिया जरा भी क्लोज आएगी तो रूमिया को हैंड टू नहीं मार देगी, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी का भी। तो यार इस पर थोड़ा सिस्टीन डर जाती है और यार वो उससे लड़ाई लेने के लिए तैयार हो जाती है, पर अपने डर की वजह से यार वो उससे लड़ाई ले नहीं पाती, और यार वो स्पेल पढ़ भी नहीं पाती। इससे पहले जो जो बंदी रियल वहाँ से भाग जाती है, और यार इसके बाद सीधे दिखाया जाता है कि यार एल्बर्ट जो वो अपने ग्लेन को लेके मतलब सीधे सिस्टीन के पास आता है, और यार थोड़ा मतलब पूरा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि यार मतलब क्यों वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती किसी भी स्पेल पे। मगर यार इसमें उसकी सिस्टीन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि यार वो उसका दिमाग थोड़ा सा उस टाइम पे फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट उसको तीनों चीज़ दिखती हैं एक साथ, तो मगर वो थोड़ा कन्फ्यूज आती है। मगर इधर दूसरे सीन में देखने को मिलता है वो बंदा जो एल्बर्ट है वो ग्लेन को ले आता है और ग्लेन के बारे में बताता है कि ये अभी जिंदा है मरा नहीं है, तो उसे उसकी थोड़ी हेल्प चाहिए। और सिस्टीन को रोने का कोई फायदा नहीं है, अगर सिस्टीन ऐसी रोती रहेगी तो ग्लेन हर एक सेकंड मर रहा है, तो उसकी हेल्प मांगता है। और वो कहता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल कंप्लीट करेगा जिससे कि वो वापस से कुछ उसका हीलिंग है हो जाएगा जल्दी से। और यार इधर सिस्टीन जो देखती है कि यार ग्लेन की सांसें टूट रही हैं, और यार वो बोलता है कि ग्लेन जल्दी मरने वाला है और ज़्यादा देर नहीं है उनके पास, तो वो बोलता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जल्दी से जल्दी रिचुअल कंप्लीट करेगा, तब तक वो सिस्टीन उसकी सांसें बनाए रखे CPR देके, यानी कि माउथ टू माउथ किस। हरामी इंसान है बहुत ज़्यादा भैया एल्बर्ट। मगर यार इधर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो रूमिया उसको पकड़ के खड़े होते हैं, मतलब दोनों को दोनों बांध के रख रखा है, और वो कुछ करने वाले हैं मगर हमें नहीं पता क्या। और इसी के साथ यार ये एपिसोड खत्म हो जाता है, तो अब हमें आगे के एपिसोड पता चलेगी ग्लेन जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, ग्लेन बचेगा तो क्या करेगा। तो यार आगे के एपिसोड देखने के लिए यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं हिंदी में एक्सप्लेन इसका जल्दी ले आऊँगा शाम तक, तो यार मेरे साथ बने रहना एंड तक।